समीप गांव दहा के बड़ी संख्या में ग्रामीण सरप्लस में मिली भूमि पर बने मकान व खेती को जमीन से बेदखल ना करने के बारे में ज्ञापन देने के लिए जिला उपायुक्त आए। ग्रामीणों ने कहा कि वह गरीब व मजदूर लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे पूर्वज को हरियाणा सरकार द्वारा 39 एकड़ कृषि भूमि पर सरप्लस एक्ट के अधीन सरप्लस भूमि अलॉट की गई थी और हमारे पूर्वजों ने सरकार द्वारा निर्धारित इस जमीन की कीमत भी जमा करवा दी थी, परंतु कुछ लोगों ने अपनी भूमि लगभग 30 साल पहले विक्रय कर दी थी और उन खरीदारों ने मौके पर 3 सेलर लगा रखे हैं, जिसमें से हजारों लोग कार्य करते हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, परंतु कुछ लोग राजनीतिक दबाव में जल्दबाजी में बिना सोचे समझे वास्तविक तथ्यों व कानून की अनदेखी करते हुए उनसे मिली भगत करके सरप्लस भूमि को पुल से निकालते हुए वारिसान को अलॉट करने के आदेश पारित किए और इस आदेश की आड़ में वारिसान हमें हमारी भूमि में मकानों एवं खरीदे हुए खरीदारों की फैक्ट्री को बेदखल करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मांग की कि न्याय को देखते हुए उच्च अधिकारियों से कार्यवाही करवाई जाए और हमारी भूमि वह मकानों से हमें बेदखल होने से बचाया जाए। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के नेता उमेद सिंह कश्यप, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता करताराम कश्यप के अलावा बड़ी संख्या में मदनपुर दहा गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। आप बोलो, आप बोलो। जी, गांव मदनपुर को सरप्लस की जमीन दी थी 1967 में सरकार ने। अच्छा। और 33-34 किले हैं, किसी के पास कोई ज्यादा भूमि नहीं है, किसी के पास 1 किला 10 किला 2 कनाल है और सरप्लस की जमीन बंजर भूमि थी। और इस जो सरकार ने सरप्लस की जमीन हमें दी थी, हमारे पास उसकी रसीदें हैं। हमने सरकार में भूमि की सारी कीमत अदा कर रखी है और आज 50 साल बाद सरकार हमें अपनी जमीन से बाहर निकाल रही है, बाहर निकालना चाहती है। कब्जे के ऑर्डर भी शायद हुए हैं, पक्का हुए हैं। और सरकार को कुछ भी पता, जैसे आप किसको मिलोगे, क्या आप हम डीसी से मिले? अच्छा, तो क्या कहेंगे? काम की भी धमकी दे रहे हैं। तो प्रशासन उस ने बिठाने मदद करना, प्रशासन उस दिन कब्जा लेने आया था, वो तो वहाँ पर आगजनी भी हुई है, 600 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। जब वो हमारी जमीन जबरदस्ती हमसे छीनेंगे तो हम हर जो नामुमकिन कदम होंगे हम सब वही उठाएंगे, मतलब आत्महत्या करेंगे, जो भी करेंगे। अब आप सोचो, अगर आपको अचानक से कोई अपने घर से निकालेगा तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम तो मजबूर में वही काम करेंगे ना जो प्रशासन की मिली भगत से हमारे साथ हुआ है। क्या नाम आपका? सीमा। इसकी जमीन है, इनके साथ एकजुट होकर इनके साथ इनकी सहायता करते हैं, इनकी मदद कर रहे हैं, जैसे वो हमारी, तो कह रहे हम इनके साथ साथ आपको भी गांव से बाहर निकाल दें। सरकार ने हमें यह जमीन दी है, हमने उसकी कायदा किस्ते पर 55 साल बाद अचानक हमें ये फैसला सुनाया जाता है कि अपनी जमीन को अपने बच्चों को गौरव को छोड़कर बाहर निकलो, तो हम क्या, हम भी तो कोई कदम उठाएंगे ना। आज हमने डीसी साहब से टाइम लिया है 1 बजे का, ये प्रतिनिधि मंडल डीसी साहब से मिलेगा, जो मदनपुर दहा गांव में जो इनके साथ अन्याय होते होते बचा है, हम उसका भी वो करेंगे, जो हमें टाइम दिया धन्यवाद करेंगे। डीसी साहब से मांग भी करेंगे कि भाई इनकी जमीन ये कोर्ट में गरीब आदमी लड़ नहीं सकते, कोर्टों में बहुत महंगी फीस लगती है, तो गवर्नमेंट ने इनको ये जमीन दी थी, इनका फैसला करके इनको एक तरफा करें ताकि इनकी जमीन रिलीज हो, इनको ये फिर किसी मामले में ना फंसे। जिस तरह ही फंस गए, दूसरे लोग एक तरफा ऑर्डर करवा लेते हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए आज हम डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि सरकार की जब शुरुआत होती है तो नीचे से प्रशासन से शुरुआत होती है और यहाँ का मुखिया डीसी है जिले का, तो डीसी से हम देंगे, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम और सीएम, वो हमारी बात उनसे हो ही चुकी दुष्यंत साहब से, तो हम इसको सिस्टमेटिकल ढंग से सरकार से अब बात करनी शुरू करें। कोर्ट में तो काम हो लिया, मुंह में तो 45 दिन का सटे मिल गया हमें अब, लेकिन जब तक ये न्याय नहीं देंगे न्याय नहीं मिल पाएगा। थाने में उस दिन 5 लोगों को बुलाया था, उस दिन क्या फैसला हुआ? उस दिन यही फैसला हुआ था कि भाई हम अभी ये गलत है, उसमें ऑर्डर कुछ नहीं था कब्जा लेने का, ऊपर से हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था कब्जा लेने का, ऊपर से सिर्फ ये था कि भाई इस पर स्थिति स्पष्ट करो, लेकिन ये कब्जा लेने का ऑर्डर कर दिया, तो वो हाईकोर्ट ने उनको मना कर दिया, वो ऑर्डर भी हमारे पास आ गए कि भाई कोई कब्जा लेने का, ऑर्डर एस्टीम ने किया था,
उनको रोक दिया गया। मदनपुर और दहा, वैसे रकबा दहा का है ये। मदनपुर में साल 1967-68 में जो विस्थापित मुजारे थे उनको यहाँ पर ये जमीन अलाट की गई, उसकी रेगुलर किस्तें जो सरकार ने फीस निर्धारित की थी वो ये भर चुके हैं, सारी रसीदें इनके पास है। गिरदावरी रजिस्ट्री इंतकाल सरकार की तरफ से इनके नाम कराया गया है, ये मौके पे मकान बना के और वहाँ पर रह रहे हैं। जो बाकी बची हुई भूमि है उस पर ये काश करके बच्चों का पालन करते हैं। तो अब जो ये स्थिति सामने आई है उसमें कुछ अधिकारियों द्वारा ठीक तथ्यों के आधार पर निर्णय ना लेके इसको केस को उलझाया गया है, जबकि कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। सरकार ने जमीन अलाट की है, हम अपने बच्चों समेत वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। तो अभी उपायुक्त महोदय से हमने टाइम लिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपके साथ कोई जाति नहीं होगी और हम निष्पक्ष निर्णय करेंगे। 20 तारीख डीसी साहब ने निर्धारित की रखी है और 20 तारीख को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है उपायुक्त महोदय को कि आप इस केस का निपटारा करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।